नमस्कार, मैं संध्या आप सबका द फूड हेवन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने कटहल के कोफ्ते की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप भी घर में बनाएं, आप सभी को पसंद आएगी। आशा है आप सबने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी का मज़ा लें। बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कटहल को छोटे छोटे पीसेज में काट लिया है, इन्हें हम बॉयल करेंगे। ये मैंने दो जगह प्याज रखा है कट करके। इस प्याज को मैं छोटे छोटे काट लूँगी कोफ्ते में डालने के लिए, और इसको इस प्याज को ये अदरक मिर्ची और लहसुन इन्हें मैं पेस्ट बनाऊँगी मिक्सी में। तो चलिए इसे हम डाल देते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये हम इनके पेस्ट इनका बना लेंगे। चलिए इसका पेस्ट बना लेते हैं। कटहल को भी हम कुकर में थोड़ा सा बहुत पानी डाल करके इसे बॉईल कर लेते हैं। तो ये प्याज लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट तैयार हो गया है। ये प्याज कट भी हो गया और ये कटहल बॉयल हो गए हैं। तो अब हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। ये मैं कटहल डाल ले रही हूँ और इसमें मैंने ये प्याज ऐड कर दिया। ये कटी हुई प्याज का स्वाद इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा बेसन, बहुत ज़्यादा बेसन हमें नहीं डालना है, बस बाइंडिंग के लिए जितना बेसन लगे उतना ही आप डालें। कोफ्ते बनाते समय हमें ध्यान सबसे ज़्यादा इस बात का रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा बेसन नहीं डालना है। ज़्यादा बेसन डालने से कोफ्ते हमारे सॉफ्ट नहीं बनेंगे। बस उतना बेसन डालें जितना बाइंडिंग के लिए ज़रूरत है। जितनी ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी हल्दी, थोड़ा नमक, रेड चिली पाउडर, थोड़ा नींबू, और बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर बॉल्स बना लेते हैं। तो अब कोफ्ते बनाने के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं थोड़ा इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ और बस इसके हम छोटे छोटे गोले बना लेंगे, बॉल्स। ये कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें तेल में डीप फ्राई कर लेंगे, और इससे पहले कि इन्हें हम डीप फ्राई करें हम ग्रेवी पहले छौंक लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग ग्रेवी बनाते हैं। तो मैं ग्रेवी को लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी, उससे बहुत अच्छा स्वाद आता है इसका। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल भी ज़रूर लें, सरसों का तेल भी बहुत सुंदर स्वाद देता है कटहल के कोफ्ते को। अब मैं इसमें थोड़ा हींग डाल देती हूँ। ये थोड़ा अजवाइन और ये तेज पत्ता, अदरक मिर्ची के पेस्ट है, सॉरी, ये प्याज लहसुन का मिक्सचर, थोड़ा सा भून लेते हैं हम इसे, फिर हम गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने अलग से
अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना कर रखती हूँ, ये मैं उसमें थोड़ा डाल रही हूँ। थोड़ी हल्दी, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा रेड चिली पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च वाला पाउडर है, इससे रंग बहुत सुंदर आता है। ये नमक, थोड़ी देर हम इसे और भून लेते हैं। तो इसे मैं दूसरे गैस पे शिफ्ट करती हूँ और तब तक हम कोफ्ते छान लेते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं। तो जब तक ग्रेवी के मसाले भून रहे हैं, हम इधर कोफ्ते को फ्राई कर लेते हैं। तो अभी मसाले बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। मैंने पानी बॉयल करके रखा हुआ है, अब वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। अभी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखें, क्योंकि जब कोफ्ते जाएंगे तो ये ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब मैंने कोफ्ते को इसमें ऐड कर दिया है ग्रेवी में। ये थोड़ा हरा धनिया मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ा हरा धनिया मैंने बाद में रखा है गार्निशिंग के लिए। और मैं अब कम आंच पर इसको ढक करके थोड़ी देर छोड़ूंगी लेते हैं। और ये देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छे से तैयार। तो चलिए हम इन्हें आप सर्व कर लेते हैं। थोड़ा हरा धनिया ऊपर से। तो बस ये कटहल के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए।